नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के सभी जिलों में गठित 33,000 महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 2.5 लाख महिलाओं को रक्षाबंधन पर सरकार सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में इन समूहों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, सरकार विचार करेगी इन्हें किस प्रकार सहायता दी जा सकती है। रक्षाबंधन तक इस बारे में कुछ ना कुछ निर्णय ले लिया जाएगा। तो रक्षाबंधन पर महिलाओं को पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ी सौगात मिलेगी। 2.5 लाख महिलाओं को मदद दी जाएगी और ये मदद किस प्रकार होगी इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन बड़ा तोहफा उन्हें रक्षाबंधन के तौर पर दिया जाएगा, जो कि कोरोना काल में मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं उससे एक सहायता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्ता पर बैठी बीजेपी और विपक्षियों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस की चुनाव संचालन समिति के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अब जन भावनाओं को भुनाने के लिए इमोशनल कार्ड चला है। उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव उनका अंतिम चुनाव होगा। इसके जवाब में भाजपा ने भी उन्हें साफ तौर पर चेतावनी दे दी है। भाजपा ने तंज कस दिया है। तो भावनाओं पर उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने भी तंज कसा। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत अब बूढ़े हो चुके हैं। उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव को अब महज 6-7 महीने का ही वक्त बचा है। भारी जनाधार रखने वाले दोनों ही दल भाजपा और कांग्रेस चुनाव मैदान में जाने को कमर कस चुके हैं। भाजपा पिछले 5 महीनों के दौरान 2 मुख्यमंत्री बदल चुकी है। अब युवा मुख्यमंत्री के रूप में सरकार की कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथों में है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 39 नए कोरोना संक्रमण मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 41 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 444 पहुंच गई है। केंद्र सरकार से नियमित रूप से कोविड वैक्सीन की डोज मिलने से राज्य में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ रही है। दूसरे बार प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक 1.19 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज लगवाई है। उत्तराखंड में कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं कि एक दिन में 39 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या की अगर बात की जाए तो 444 पहुंच गई है। 24 घंटे में 39 केस मिले हैं। वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो भी लगातार उत्तराखंड में बढ़ाई जा रही है। तो कोरोना वैक्सीन की डोजेस लोगों को दी जा रही है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड वासियों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका दिया है। तीर्थ पुरोहित व व्यापार सभा केदार धाम के 26 सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने चारों धामों को अपने अधीन करते हुए देवस्थानम बोर्ड के अंडर में सभी धामों का नियंत्रण लागू कर दिया है, जिसको लेकर पिछले साल से तीर्थ पुरोहित लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से देवस्थानम बोर्ड वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। मगर राज्य सरकार ने देवस्थानम बोर्ड वापस करने को लेकर अभी तक तीर्थ पुरोहितों की मांग नहीं मानी है, जिससे आक्रोशित होकर तीर्थ पुरोहितों ने अब ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चारों धामों में जो तीर्थ पुरोहित इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं, उसी विषय में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों के साथ कल पुलिस प्रशासन की एक बैठक थी। उन्होंने कहा हमारे पास नीचे से एक जीओ आया हुआ है, आप जो है केदारनाथ में धरना नहीं कर सकते हैं। मैं शासन प्रशासन को बोलना चाहता हूं, अगर आप में दम हो तो आप केदारनाथ में आए
हम लोगों के साथ आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहे। ओम नमः शिवाय, जय श्री। आज हम चारों धामों के लोगों को लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और हम इस देवस्थान बोर्ड का जो है विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। और आज हमारे यहाँ पर जो है हमारे व्यापार सभा के अध्यक्ष श्री चन्नी प्रसाद जी ने भी जो है भाजपा सरकार से इस्तीफा दिया है और उनके साथ जो है 26 लोगों ने जो है इस्तीफा दे दिया है। और ये सरकार अभी जो है कान खोल के सुन लें, हमारे जो है समस्त चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और एवं इस घाटी के सारे लोग जो हैं, जो भी लोग बाबा केदारनाथ से जुड़े हुए हैं, तो ये सभी लोग जो है भाजपा सरकार से इस्तीफा देंगे और 2022 के चुनाव में इनको जो है ये बहुत बड़ा खामियां जो है भोगना पड़ेगा। मैं बाबा से प्रार्थना कर रहा हूँ अभी भी इनको सद्बुद्धि मिले और तत्काल इस देवस्थान बोर्ड को जो इनको भंग करना पड़ेगा। वहीं इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए सतपाल जुड़ चुके हैं। सतपाल, मैं आपसे आना चाहूंगी, 26 सदस्यों का इस्तीफा और उससे उसके ऊपर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी, आगामी चुनाव से पहले कितना बड़ा झटका है बीजेपी के लिए? जी कीर्ति जी, मैं आपको बता दूं कि ये देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो पिछले साल से उत्तराखंड सरकार से नाराज चारों धाम के तीर्थ पुरोहित जो है लगातार आंदोलनरत है और पिछले कुछ दिनों से 3 मुख्यमंत्री राज्य में बदल गया, तीनों मुख्यमंत्रियों के सामने तीर्थ पुरोहितों ने अपनी मांग को रखा था कि देवस्थानम बोर्ड को समाप्त करके और हमारे हक हकूक पे डाका न डलवाएं, लेकिन जब सरकार नहीं मानी तो इस बार तीर्थ पुरोहितों का धरना उग्र बढ़ता जा रहा है और तीर्थ पुरोहितों ने यहाँ पे एक निर्णय लिया है कि अब जो तीर्थ पुरोहित भाजपा सरकार के साथ सदस्यता में शामिल थे उन लोगों ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और आगे भी सारे तीर्थ पुरोहितों ने ऐलान कर दिया है कि आने वाला जो 2022 का चुनाव होगा उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार भी किया जाएगा और प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है पूरी जनता के सामने माहौल बनाया जाएगा। जी, तो क्या लगता है कि इस नाराजगी के बाद, जिस कदर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी सामने आई है और चुनाव बहिष्कार का उन्होंने ऐलान किया है, तो इसके बाद क्या पुष्कर सिंह धामी इस ओर नजर बना सकते हैं? क्या ट्रस्ट को समाप्त करने के ऊपर भी कोई फैसला आ सकता है? अभी यही अब देखने वाली बात होगी क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने भी देहरादून में इनकी एक कोर कमेटी से बात की थी और इनको आश्वासन दिया था कि जल्द ही हम एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे, लेकिन वो कमेटी आज तक बनी नहीं और तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि कमेटी ने ऐसे लोगों को शामिल कर दिया जिनका तीर्थाटन से कोई संबंध ही नहीं है और सरकार अपने चहेतों को वहां शामिल कर रही है, तो इससे भी तीर्थ पुरोहित पूरी तरीके से आक्रोश में आ चुके हैं और उनका अब निर्णय है कि अगर जल्द इस पे सरकार ने ठोस निर्णय नहीं लिया और सीधा सीधा देवस्थानम बोर्ड को वापस नहीं लिया तो उग्र आंदोलन भी होगा और 12 तारीख और 22 तारीख से वो उग्र आंदोलन की चारों धाम में और सड़कों पे उतरने तक की धमकी उन्होंने दे दी। जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहा है कि जिस तरह से पुरोहितों की नाराजगी और पंडा समाज की जो नाराजगी है उसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक देवस्थानम बोर्ड के कामकाज पर पूरी तरह से रोक भी लगा दी है, तो ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर अभी से ही आ गई है। जी जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उम्मीद थी कि उत्तराखंड में देवभूमि है और यहाँ पे देवों की आस्था पे ज्यादा लोग ध्यान देते हैं, लेकिन सरकार जिस तरीके से यहाँ पे चाकू छुरी चलाने की जिस तरीके से बात कर रही है और मुंह में कुछ और बोल दिया और अंदर कुछ और काम कर रही है, पूरे प्रदेश में नाराजगी का माहौल बन रहा है और लगता है कि आने वाला समय भाजपा के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी जिस कदर सामने आई है उसको खत्म करने के लिए उत्तराखंड सरकार से मांग की जा रही है, चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है तीर्थ पुरोहित और लगातार कह रहे हैं कि संगठन को समाप्त किया जाए, देवस्थानम बोर्ड को खत्म किया जाए। इसको लेकर सरकार अब बैकफुट पर आती है क्यों नहीं, ये देखना अहम होगा, क्योंकि बड़ी जो तादाद में देवस्थानम बोर्ड से जुड़े हुए पुरोहित थे उनकी नाराजगी आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती है। पौड़ी डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगडंडे ने विकास भवन सभागार में कई विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। डीएम ने जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित के अंतर्गत कम प्रगति करने वाले विभागों को कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश जारी किए। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के प्रकरणों और सीएम हेल्पलाइन, साथ ही सीएम
डैशबोर्ड में लंबित शिकायतों का निस्तारण करने के भी आदेश दिए। जिला योजना, राज्य योजना, केंद्र पोषित योजना, 20 सूत्री कार्यक्रम और जो प्रमुख स्वरोजगार संबंधित योजना है, इसका समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान जनपद का जो परिव्यय है 83 करोड़ का सापेक्ष जो है हम लोग की जनपद को पौड़ी को 60 करोड़ रुपया प्राप्त हो चुका है जिला योजना में। इसको हम लोगों ने विभाग को अवमुक्त कर दिया है। कुछ विभागों का प्रगति अभी अपेक्षा के अनुरूप नहीं प्रदर्शित हो रहा है। प्रमुखता से इसमें वन विभाग है, पर्यटन विभाग इसमें शामिल है, साथ में इसमें चिकित्सा विभाग है और PWD का पूर्ण आवास का जो सेक्शन देखते हैं वो विभाग इसमें शामिल था। सभी विभाग को सचेत किया है कि अपना जो भी कार्रवाई आप करना चाहते हैं, टेंडर कार्रवाई अगर करना चाहते हैं, उस प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कर लिया जाए। कुछ विभागों ने अवगत कराया है कि उनका निर्माण कार्य प्रारंभ हो रखा है लेकिन उसका UC अभी प्राप्त नहीं हुआ है। उन विभाग को भी सूचित किया है कि अपना समस्त कार्रवाई पूर्ण करते हुए अगले माह के अंत से पूर्व, अगस्त माह के अंत से पूर्व जो है अपना प्रगति को बढ़ाना सुनिश्चित करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वीरेंद्र जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, मैं आपसे आना चाहूंगी कि DM ने आदेश दे दिए हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है तो विकास पर खास फोकस किया जा रहा है, किस तरह के विकास कार्य इसमें शामिल किए गए हैं? तो पौड़ी DM डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने विकास भवन सभागार में कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्हें ये निर्देशित किया है कि आगामी माह तक सभी विकास कार्यों को जल्द से जल्द प्रगति दी जाए, उन्हें पूरा कर लिया जाए और कई विभाग इसमें जुट भी गए हैं। तो परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए, एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें तमाम अधिकारियों को अलग अलग विकास के प्रति जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको ये निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित के अंतर्गत काम को प्रगति दी जाए और विभागों के कार्य में प्रगति लाने के निर्देश के साथ ही उन्हें हिदायत भी दी है कि ये कार्य एक माह के अंदर कर लिया जाए। वही रुकेंगे खबरों के बीच और इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है जहां हाई हॉकी हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया का स्वागत किया गया। गोली ग्रांट एयरपोर्ट पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। टोक्यो ओलंपिक में वंदना ने लगाई थी हैट्रिक, हॉकी में हैट्रिक लगाकर वंदना ने बनाया है इतिहास। तो हॉकी हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया का जोरदार स्वागत, हरिद्वार पहुंची। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस तरह वंदना कटारिया का लोगों ने स्वागत किया, खुले दिल के साथ लोग वंदना कटारिया का स्वागत करने पहुंचे। हॉकी में हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया का जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि लोगों के अंदर भारी उत्साह था, खुशी थी कि जिस तरह से हरिद्वार उत्तराखंड की बेटी ने नाम रोशन किया है पूरा देश का, उसके चलते लोगों के मन में भारी उत्साह देखने को मिला। इस खबर पर हमारे साथ इंतजार जुड़ चुके हैं। इंतजार, टोक्यो ओलंपिक में वंदना ने हैट्रिक लगाई और अब वो हरिद्वार पहुंच चुकी है, क्या नजारा देखने को मिल रहा है, किस तरह की खुशी लोगों के अंदर देखी जा सकती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो वंदना कटारिया है, हैट्रिक गर्ल के नाम से वंदना कटारिया का नाम जोड़ दिया गया है कि वंदना कटारिया को हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जा रहा है। हरिद्वार पहुंच चुकी है वंदना कटारिया, जो परिजन है हरिद्वार से और जो ग्रामीण है और जो अन्य राजनीतिक दल है, सभी के लोग एयरपोर्ट जिल ग्रांट पहुंचे हुए थे वंदना कटारिया के स्वागत के लिए। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया और हरिद्वार में पहुंचते हुए जगह जगह वंदना कटारिया का भव्य स्वागत किया गया है। और जिसका जो हरिद्वार पहुंचने के बाद जिलाधिकारी विनय पांडे के द्वारा जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है हरिद्वार का, वहाँ भव्य स्वागत का आयोजन किया गया है। वहाँ पहुंचने के बाद DM हरिद्वार के द्वारा इनका भव्य स्वागत किया जाएगा। जी लेकिन इस समय बिल्कुल उत्साह देखने को मिल रहा होगा लोगों के अंदर, भारी परिजन भी काफी ज्यादा खुश होंगे। वहीं वंदना कटारिया ने इतिहास रचा है, देश का नाम रोशन किया है, मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की, किस तरह स्थिति देख पा रहे, परिजनों में किस तरह की खुशी है?
जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो परिजन है और ग्रामीण है, काफी एक त्योहार का रूप गांव ने ले लिया है। पूरे हरिद्वार में खुशी का माहौल है, जगह जगह जश्न की तैयारी की जा रही है और वंदना कटारे जो है दो दिन के लिए हरिद्वार आई है और बाकी दो दिन हरिद्वार में रहने के बाद वंदना कटारे फिर दिल्ली अन्य कार्यों के लिए लौट जाएंगी। और दो दिनों में वंदना कटारे की जगह जगह हरिद्वार में प्रोग्राम रखे गए हैं। एक खुशी का माहौल है, एक त्योहार का रूप, जैसे त्योहार में जश्न मनाया था उसी के तरफ परिजनों के अंदर एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और परिजनों के लिए पूरे ग्रामीण में एक त्योहार और खुशियों को लेकर के साजो भव्य स्वागत की तैयारियां वहां कर दी गई है। जी बिल्कुल इंतजार, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से महिलाओं ने इस बार ओलंपिक में अपनी प्रतिभा दिखाई है उससे पूरा देश गदगद है और किस तरह से महिलाओं ने ओलंपिक में इतिहास रचा है ये भी इस बार ओलंपिक में अलग तौर पर देखा गया। बता दें कि वंदना कटारिया दो बार ओलंपिक खेल चुकी है और उसके बाद इस बार उन्हें हैट्रिक गर्ल इसलिए ही बुलाया जा रहा है क्योंकि इस बार के ओलंपिक में उन्होंने इतिहास रच दिया है। और इसी के साथ वो हरिद्वार पहुंची तो लोग भी गदगद हो गए, त्योहार जैसा माहौल हो गया है, लोग उनके स्वागत के लिए फूल मालाओं के साथ पहुंचे। बढ़ते आगे, बीते 4 अगस्त को भारी बारिश के दौरान कर्णप्रयाग तहसील के सिनखाल गांव में रहने वाले दो लोगों के घर की दीवार ढह गई जिससे इनके घर में भारी मलबा भर गया। कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे घर के लोग बाहर निकले। पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि उनका घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, अब वो लोग सड़क पर आ चुके हैं। हालांकि प्रभावित परिवारों ने घटना की लिखित सूचना तहसील प्रशासन को दी और राजस्व उप निरीक्षक नीरज पुरोहित ने बताया कि उन्होंने प्रभावित परिवारों की सूचना पर सिनखाल गांव में जाकर नुकसान का स्थलीय निरीक्षण कर नुकसान की रिपोर्ट तहसीलदार को भेज दी है। तहसीलदार सुरेंद्र सिंह देव ने कहा कि जल्द ही प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की कार्रवाई की जाएगी। हम बहुत परेशान छो, ये बरसात आई बहुत पहले हम सरकारों सूचित करे सरकार हमें तरफ कोई ध्यान नहीं देनी। हमें दुई मकानों चले माथी भी मुड़ी भी यो पूर्व मलमा भरियो छ। हमारा सरकार से निवेदन छ कि ये मलमा हटो। हम लोग घर में रहा गौशाला में रहा और प्रशासन हमारा तर कोई ध्यान नहीं दियो नहीं। भाई ऐसी बात है कि बारिश के कारण हमारा पूरी मकान टूट गया है, नीचे से भी मलमा सब नीचे की मकान में भी चल गए। 4 तारीख से ये दुर्घटना हो गई। आने वाला देखने वाले सभी आ रहे पर करने को कोई मंजूर नहीं है। हो जाए सभी करते देखता कोई। तो भारी बारिश के चलते आशियाना लोगों तक का छिन गया है जिसके लेकर लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। तो किस कदर बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया आप तस्वीरें देख सकते हैं। जिस तरह से बारिश आती है, मानसून शुरू होता है, उसके बाद लगातार पहाड़ी इलाकों में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। कहीं पहाड़ टूट जाते हैं, कहीं मलबा गिरने से लोगों की आफत लोगों के सरान पड़ती है, आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। वहीं ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कर्णप्रयाग तहसील की है। सिनखाल गांव के रहने वाले लोगों को भी घर की दीवार उनकी ढह गई है जिससे उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन मानसून की वजह से पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है और ये कड़ी मशक्कत हर बार के मानसून में लोगों के द्वारा देखने को मिलती है। जो लोग हर बार के मानसून आने के बाद इस तरह की परेशानियों से जूझते हैं लेकिन प्रशासन की तरफ से पहले से कोई सुविधा क्यों नहीं की जाती है, बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में मानसून के आने से पहाड़ों का टूटना, मलबा गिरना, इस तरह की जलभराव हो जाना, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। और मशक्कत के बाद जैसे तैसे घर के लोग, जब मलबा गिरा तो घर क्षतिग्रस्त हो गया, बाहर निकले हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनका घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, वो लोग सड़क पर आ चुके हैं। हालांकि प्रभावित परिवारों ने घटना की लिखित सूचना तहसील प्रशासन को दे दी है। राजस्व उप निरीक्षक नीरज पुरोहित ने बताया कि उन्होंने प्रभावित परिवारों की सूचना पर सिनखाल गांव में जाकर नुकसान का स्थलीय निरीक्षण भी कर लिया है और रिपोर्ट तहसीलदार को भी भेज दी गई है। उसके आगे की कार्रवाई की जा रही है, लोगों को जरूरी मदद आर्थिक सहायता जल्द से जल्द उनको मुहैया कराई जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता शादाब आलम ने पिरान कलियर स्थित रैन बसेरा का दौरा किया जहां पहुंचने पर रैन बसेरा बंद था। शादाब आलम का कहना है कि बाहर से जो लोग दरगाह साबिर पार्क पर अपनी आस्था को लेकर आते हैं उनको रुकने में परेशानी होती है। रैन बसेरा काफी दिनों से बंद रहा है।
रैनबसेरे के बंद होने से उसकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार से अपील करते हैं कि रैनबसेरे को जल्द से जल्द खोला जाए, जिससे बाहर से आने वाले लोगों को ठहरने में आसानी हो। पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, कोरोना से बचाव के तमाम उपयोगों को करते रहिए और मेरे साथ देखते रहिए प्राइम टीवी।